हेलो एवरीवन, रिफ्लेक्शन में हमीसंग नेक्स्ट वन छ रिफ्लेक्शन अफ पॉइंट इन लाइन एएक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसलिए के भन्न खोजे लेट अस सपोज हमीसंग एउटा लाइन यल छ जसको इक्वेसन के हो बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो भने पी को रिफ्लेक्शन चाहिँ के हुन्छ, यो एक्स ड्यास वाई ड्यास चाहिँ के हुन्छ भन्ने हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। एन्ड यो केसमा पनि के हुन्छ, यो लाइन यल चाहिँ पीपी ड्यासको लागि के हुन्छ, परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ। सो लेट्स बिगिन द प्रुफ। लेट द इक्वेसन अफ लाइन यल बी, यलको इक्वेसन के दियो बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जेरो। एन्ड लेट द इमेज पॉइंट एक्स डैश वाई डैश बी रिफ्लेक्शन अफ एक्स डैश वाई डैश चाहिँ के हो, पॉइंट पी एक्स वाई को रिफ्लेक्शन इमेज हो। देन अब हामीले चाहिँ यसरी दुईटा पोइन्टहरूको हामीलाई एउटा लाइनमा दिएको छ भने हामीले के गर्थ्यौँ, स्लोप फाइन्ड आउट गर्थ्यौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ, यो मिड पोइन्टको चाहिँ हामी के गरौँ, इक्वेसन फाइन्ड आउट गरौँ। एन्ड देन स्लोप मिड पोइन्ट अफ पिपी ड्यास चाहिँ के हुन्छ, हामीले जुन अगाडि गऱ्यौँ पिपी ड्यासको मिड पोइन्ट अघिल्लो प्रुफहरूमा वाई इज इक्वल टु एक्स, वाई इज इक्वल टु माइनस एक्समा सेम त्यही हुन्छ, एक्स प्लस एक्स ड्यास अपन टु वाई प्लस वाई ड्यास अपन टू, द्याट मिन्स एक्स वान प्लस एक्स टू अपन टू वाई वान प्लस वाई टू अपन टू हुने भयो। And since the line AX plus BY plus C is equal to 0 चाहिँ यही हुँदै पासेस भएको छ, सो पास्ट थ्रु मिड पोइन्ट, यही मिड पोइन्टमा पनि पर्छ त्यो लाइन, त्यहीबाट पनि पास भएको छ भने देन हामीले के गर्न सकिन्छ, ए एक्सको ठाउँमा यो भनेको त एक्सको पोइन्ट हो कुनै, वाई प्लस वाई ड्यास अपन टू। हामीसँग इक्वेसनको फर्म चाहिँ के हुन्छ, अब एएक्स प्लस एएक्स ड्यास प्लस बिवाई प्लस बिवाई ड्यास प्लस टू सी इज इक्वल टू जेरो, यसलाई एएक्स ड्यास प्लस बिवाई ड्यास इज इक्वल टू माइनस एएक्स माइनस बिवाई माइनस टू सी इज इक्वल टू जेरो। यो चाहिँ हामीसँग इक्वेसन वान भयो। एन्ड देन अब हामीले स्लोप चाहिँ, जुन गिवन लाइन छ स्लोप अफ एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इज इक्वल टू जिरो हामी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ, द्याट इज एम वान इज इक्वल टू माइनस कोफिसियन्ट अफ एक्स अपन माइनस अपन कोफिसियन्ट अफ वाई। एन्ड स्लोप अफ पिपी ड्यास चाहिँ के हुन्छ, हामीसँग y2 टू माइनस वाई वान अपन एक्स टू माइनस एक्स वान हुन्छ, द्याट इज y ड्यास माइनस वाई अपन एक्स ड्यास माइनस एक्स। अनि अर्को कुरा, सिन्स यो जुन लाइन छ पिपी ड्यास यो चाहिँ केसँग पर्पन्डिकुलर हुन्छ, यलसँग पर्पन्डिकुलर हुन्छ, त्यो केसमा के हुन्छ, यम वान इन्टु यम टू इज इक्वल टू माइनस वान हुन्छ। एन्ड देन हामीले के गर्न सकिन्छ, अब यम वान भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ, माइनस ए बाई बी इन्टु वाई ड्यास माइनस वाई अपन एक्स ड्यास माइनस एक्स इज इक्वल टु माइनस वान, ए वाई ड्यास माइनस वाई इज इक्वल टु बी एक्स ड्यास माइनस एक्स, बी एक्स ड्यास माइनस ए वाई ड्यास इज इक्वल टु बी एक्स माइनस ए वाई, इक्वेसन टू। अब वान र टूलाई सोल्भ गऱ्यौँ भने न हामी फर्स्टमा एकचोटि वाई ड्यास चाहिँ हामीसँग दुईवटा इक्वेसन के भयो, एउटा इक्वेसन चाहिँ एएक्स ड्यास प्लस बिवाई ड्यास इज इक्वल टु माइनस एएक्स माइनस बिवाई माइनस टू सी, एन्ड एनदर इक्वेसन भनेको हामीसँग के भयो, बिएक्स ड्यास माइनस एवाई ड्यास इज इक्वल टु बिएक्स माइनस एवाई। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एउटा एक्स ड्यास छ अर्को वाई ड्यास छ, एकचोटि वाई ड्यासलाई हामी रिमुभ गरेर एक्स ड्यास फाइन्ड आउट गरौँ, अनि एकचोटि एक्स ड्यासलाई कट गरेर हामी वाई ड्यास फाइन्ड आउट गर्छौँ भनेको। अब कसरी गर्नु पऱ्यो,
मल्टिप्लाइंग आई बाई एबी वाई डैस बनाए होने हम सोल्भ हो आई बाई ए एंड आई आई बाई बी देन एड आई एंड आई आई गए ए स्क्वायर एक्स डैस प्लस एबी वाई डैस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स एबी वाई टू ए सी एबी एक्स डैस सॉरी बी स्क्वायर एक्स डैस माइनस ए बी वाई डैस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई यो हाम्रो कट हुन्छ ए स्क्वायर एक्स डैस प्लस बी स्क्वायर एक्स डैस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस टू ए बी वाई माइनस टू ए सी अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एक्स ड्यास हो इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस टू एबीवाई माइनस टू एसी अब यता पनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ल्याउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स ड्यास इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स गऱ्यौँ भने एबीवाई माइनस टू एसी यहाँ हामीले के गर्यौँ यसलाई पोजिटिभ गरायौँ भनेको पोजिटिभमा टू ए स्क्वायर एक्स सरी नेगेटिभमा किनकि पोजिटिभ गराएपछि मात्रै यो पोजिटिभ हुन्छ ए स्क्वायर एक्समा माइनस टू ए स्क्वायर एक्स गऱ्यौँ भने हामीसँग माइनस ए स्क्वायर एक्स आउँछ सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स ड्यास इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए कमन लियो भने एक्स टू ए कमन लियो बिवाई प्लस सी अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यता डिभाइड गर्न लग्यौँ भने के हुन्छ यो एक्स मात्रै हुन्छ एन्ड यहाँ टू एक्स प्लस बिवाई प्लस सी अपन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिमिलरली अब हामी वाईलाई सोल्भ गऱ्यौँ भने वाई ड्यास इज इक्वल टू वाट आई गट वाई माइनस टू बी एक्स प्लस बिवाई प्लस सी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो हामीलाई के आयो एक्स ड्यास वाई ड्यासको लागि जुन पी एक्सवाईको इमेज फाइन्ड आउट गर्ने पोइन्ट आयो अब यसको लागि प्रब्लम सोल्भ गरेर हेर्दाखेरि कसरी चाहिँ कस्तो खालको क्वेसनहरू हुनसक्छ भने फाइन्ड द इमेज अफ माइनस टू वान अन्डर रिफ्लेक्शन अफ लाइन टू एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इजिकल टू जीरो यो चाहिँ हाम्रो के भयो पिएक्सवाई भयो एन्ड यर एक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिकल टू जेरो भयो एन्ड अब हाम्रो ए इजिकल टू टू बी इजिकल टू माइनस वान सी इजिकल टू माइनस फाइभ एन्ड एक्स इजिकल टू माइनस टू वाई इजिकल टू वान अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ एक्स ड्यास वाई ड्यास छ त्यसको लागि एक्स माइनस टू एक्स प्लस बिवाई प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरमा भ्यालु राखेर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ यसको लागि टू बी एक्स प्लस बिवाई प्लस सी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरमा जुन भ्यालुहरू छ रिगार्डिङ भ्यालुहरू चाहिँ पुट आउट गरेर हामीले के फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ गिभन पोइन्टको इमेज फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अब पोइन्ट दिएको केसमा इमेज फाइन्ड आउट गर्न त हामीलाई एभ्री पोइन्टको लागि आयो बट हामीलाई क्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने कुनै इक्वेसन दिएर त्यो इक्वेसनको चाहिँ इमेज फाइन्ड आउट गर भन्छ त्यो केसमा त हामीले के गर्नु पऱ्यो हामीलाई एउटा लाइन दियो टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जेरो जसको चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ इमेज अब हामीलाई मेन इक्जाममा आउने टाइपको क्वेसन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ किनभने जुन चाहिँ हामीलाई पोइन्ट मात्रै दिएर इमेज फाइन्ड आउट गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो एमसिक्यूमा जुन मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हुन्छ त्यस्तोमा आउने खालको क्वेसन हो बट हामीलाई लङ क्वेसनमा चाहिँ फाइभ मार्क्सहरूमा सोल्भ गर्ने प्रब्लम आउनु पऱ्यो भने त्यो भनेको इक्वेसनको इमेज
एंड इक्वेसन को इमेज फाइंड आउट करने प्रब्लम को जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई इजिकल टू एक्स वाई इजिकल टू माइनस एक्स जुन में सोधन सकता बट हमें सोल्व करने वे वही फर्मुला अप्लाई करने फर्मुला डिफ्रेंट पॉइंट को लगी इमेज फाइंड आउट करने अदरवाइज प्रोसेस सेम हो बट हमें प्रोसेस फलो करने कौन भन्ने भो हमीर जो इक्वेसन को हमें इमेज फाइंड आउट करूर्ने यह हम हो गिवन इक्वेसन हो गिवन इक्वेसन हमें इमेज फाइंड आउट करने गिवन इक्वेसन हो अब नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एनी पॉइंट अन दिस इक्वेसन यह इक्वेसन में लाई करने इक्वेसन और यो लाइन में लाई करने एनी टू पोइंट हमें फाइंड आउट करो तो फाइंड आउट करने कसरी आइदर हमें यक्स इजिकल टू जीरो यक्स इजिकल टू वन राखे वाई इजिकल टू फाइंड आउट कर सकता और यक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू जीरो वाई इजिकल टू वन राख्ता यक्स इजिकल टू फाइंड आउट कर सकता यक्स इजिकल टू जीरो राख्ता वाई इजिकल टू के हो जीरो राख्ता वाई इजिकल टू थ्री यक्स इजिकल टू अब यहाँ वन राख्यौं वाई इजिकल टू के हो हम वाई इजिकल टू फाइव हो अथवा वाई इजिकल टू जीरो राख्ताखे एक्स इजिकल टू के हो थ्री बाई टू हो वाई इजिकल टू वन राख्ता एक्स इजिकल टू के हो माइनस थ्री बाई टू हो वाई इजिकल टू वन राख्यौ एक्स इजिकल टू के हो टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री इजिकल टू जीरो मै टू इजिकल टू जीरो एक्स इजिकल टू माइनस वन हो इसी हमें अब यहाँ मध्य हमें जुनसुक पोइंट लिए हमें दुईटा पोइंट फाइंड आउट करूर्यो भैल्यू जी राखे भो एवं राख्ता अर्क को भैल्यू आई हाल्ष देन हमें अब पोइंट हमें सपोज गये लेटर सपोज एटा जेरो थ्री अर्क वन फाइव भाई नहीं गये पोइंट सपोज गये इसलिए पी सपोज गये इसलिए क्यू सपोज गये देन हमें अब के फाइंड आउट करूर्यो पी डैस क्यू डैस फाइंड आउट करूर्यो पी डैस क्यू डैस हमें कुछ फर्मुला फर्मुला हमें अब यक्स डैस इजिकल टू वाई डैस इजिकल टू बने जीरो को डैस र थ्री को डैस फाइंड आउट करूर्यो इसको फर्मुला फलो करें यहाँ ये हमीर जो आँच यक्स डैस वाई डैस आँच यहाँ पर एंड देन वन फाइव को केस में क्यू डैस को केस में हमें के फाइंड आउट करूर्यो यक्स डैस वाई डैस अब यह पोइंट को हमें निकालना तो आँच इसलिए हमें के सपोज करूँ यक्स वन वाई वन इसलिए यक्स टू वाई टू देन दुईटा पोइंट भो एवट लाइन में पर्ने क्योंकि यह तो इमेज में पर्ने लाइन हो तेज को अंदर दुईटा पोइंट भैया हमें तो इक्वेसन निकालने फर्मुला हमें था वाई माइनस वाई वन इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन यक्स टू माइनस यक्स वन यक्स माइनस यक्स वन वाला फर्मुला ये वाई माइनस वाई वन में हम के पी को केस को यक्स डैस वाई डैस भो भनेको यो में अब हमें भ्यालु राखेर के फाइंड आउट कर सकता इमेज फाइंड आउट कर सकता अरु जुनसुक केस हमें दिए हम डिफ्रेंट बनेको हमें एक्स इजिकल टू वाई वाई इजिकल टू माइनस एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो दिए डिफ्रेंट बनेको ओन्ली हमें यह पोइंट फाइंड आउट करने संग सेम हो यहाँ पर यह जो भ्यालु हमें एक्स डैस वाई डैस निकाल्नला अप्लाई करने फर्मुला जो तो डिफ्रेंट हो पोइंट हमें निकाली सके अगेन इक्वेसन निकालने प्रोसेस के हो सेम हो सो प्रोसेस सब सेम हो हमें यहाँ अप्लाई करने फर्मुला मात्र के हो डिफ्रेंट हो यही एक्जाम्पल को केस में हमें इसलिए सोल्व ग्यौं हमें कुन कुन पोइंट लियं एटा जीरो थ्री अर्क माइनस थ्री बाई टू कमा जीरो लियं इसलिए पी सपोज ग्यौं इसलिए क्यू सपोज ग्यौं देन पी जेरो थ्री को केस में हम यक्स डैस के होक्स माइनस टू एएक्स प्लस बीवाई प्लस सी अपन ये सोल्व गये यक्स इजिकल टू हम कति हो जेरो हो माइनस टू इंटू थ्री टू ए गर्दा एंड क्योंकि हमीसंग ए इजिकल टू कति थ्री बी इजिकल टू फोर सी इजिकल टू माइनस वन छ देन एएक्स प्लस भनेको थ्री इंटू जेरो प्लस बीवाई प्लस सी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्दा हामीसँग कति आउँछ माइनस सिक्सटी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव इसी नै वाई डैस अब वाई माइनस टू बी एएक्स प्लस बीवाई प्लस सी गरेर हामीले निकाल्यौं भने देन विल गेट माइनस थर्टीन बाई ट्वेंटी फाइव यह भ्यालु राखेर सोल्व गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ देन अब
क्यू माइनस थ्री बाई टू जेरो को केस में हामीले फाइंड आउट गर्यौं भने यसलाई एक्स डबल ड्यास मान्दियौं यो भनेको माइनस नाइन बाई फिफ्टी एन्ड हियर वी गेट 45/25. अब हामीले फाइंड आउट गर्नुपर्ने के हो इक्वेसन. सो इक्वेसन अफ लाइन यो दुईटै त एउटै इक्वेसनको चाहिँ इमेज हो भने यिनीहरू जोइन हुँदा पनि एउटै इक्वेसनमा जोइन हुन्छ. सो बी ड्यास क्यू ड्यास इज हाम्रो के हुने भयो वाई माइनस वाई ड्यास इज इक्वल टु वाई डबल ड्यास माइनस वाई टू माइनस वाई वन भनेको थियो एक्स ड्यास सिएक्स माइनस सिएक्स ड्यास. अब यहाँ हामीले वाई ड्यास हाम्रो कति आएको थियो प्लस 13/25 इज इक्वल टु 44/25 माइनस 13/25 अपन 9/50 प्लस 66/25 एक्स प्लस 66/25 यसलाई सोल्भ गर्दै गयो भने हामीसँग इक्वेसन के आउँछ माइनस 1 2 3 y प्लस 2 3 7 इजकल टु 0. अब यहाँ चाहिँ हामीलाई यस्तो अब जुनसुकै क्वेसन आए पनि हामीले के गर्ने भयो एक्स ड्यास वाई ड्यास एक्स डाइ वाई ड्यास दुइटा त्यहाँको इक्वेसनमा भएको दुइटा पोइन्टको लागि इमेज फाइन्ड आउट गर्ने भयो जुन कन्डिसनमा भनेको छ त्यो कन्डिसनमा एन्ड देन वाई माइनस वाई वान इज इक्वल टु वाई टू माइनस वाई वान अपन एक्स टू माइनस एक्स वान यसबाट हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने भयो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ इमेज अफ गिभन इक्वेसन अर गिभन लाइन.